अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद महक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। टुडेज़ टॉपिक इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट। मेन पॉइंट इज व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जिसको हम लेटर्स लिखने के लिए, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन और मीमोस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट में थ्री बार्स होती हैं। फर्स्ट बार इज टाइटल बार, दिस बार इज कॉल्ड टाइटल बार। सेकेंड वन इज मेन्यू बार एंड दिस वन। थर्ड इज प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड बार। दीज आर थ्री बार्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ये आपको पेज नज़र आ रहा है, इसकी डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल, जब हम लिखते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल कैलिब्री बॉडी होता है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलिब्री, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 11 होता है। आप इन सब सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट स्टाइल। आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैंने ये एक पैराग्राफ ले लिया है। सिलेक्शन करने के 5 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, अगर आप सिंगल एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उस लाइन के स्टार्टिंग में अपने कर्सर को लेकर जाना है, और इस तरह से जब वो एरो की शेप में आ जाए आपको जस्ट सिंगल क्लिक करना है और वो लाइन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। सेकंड मेथड इज, अगर आप अपने होल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ के स्टार्ट में आपको अपने माउस को लेके जाना है, जो एरो की शेप में आ जाए तब आपको डबल क्लिक करना है और आपका होल पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। थर्ड मेथड है, आप जो भी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस अकॉर्डिंग अपने कर्सर को रखें, और आप कीबोर्ड से सिलेक्शन कर सकते हैं, आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है एंड देन यू हैव टू यूज़ योर एरो कीज़। अगर आपने कर्सर रख लिया, आप उसे राइट साइड पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने राइट एरो की यूज़ करें एंड इन दिस वे वो सिलेक्ट हो जाएगा और लेफ्ट की से वापस अनसेलेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह एरो कीज़ यूज़ करके, शिफ्ट प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेथड, आप सिंपली इस तरह अपने जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, आप अपने माउस को ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं ये थर्ड लाइन सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं सिंपली अपने माउस को ड्रैग करूँगी और वो सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ फिफ्थ मेथड, अगर आपके पेज पे जो भी काम है, अगर आप सब काम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज़ अभी सिर्फ एक पैराग्राफ है यहाँ पर, इस तरह से ज़्यादा सारा अगर आपके पेज पर काम है, आपने लिखा हुआ है, अगर आप उन सब को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप पूरे पेज में से किसी भी वर्ड को या थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ए, और इस तरह से आपका सारा काम एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर 5 सिंपल मेथड टू सिलेक्ट योर वर्क। आप अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।